नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं जब आपसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद ना हो, फिर आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे सब चौंक जाएं, तो वैसे सफलता का मजा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, बिल्कुल ऐसा ही भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी हुआ है। दरअसल खबर पूरी यह है कि अमेरिका की एक कंपनी है जो एलन मस्क की कंपनी है, वो चलाते हैं, उनका एक प्रोडक्ट का नाम है टेस्ला। टेस्ला की कार बनती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी होती है और ये समझ लीजिए कि ये इंडिया में भी आना चाहते थे कुछ समय पहले तक, लेकिन ये भारत इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में, इंपोर्ट जो भी कारें होती थी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगा रखी थी। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे टेस्ला कंपनी की जो कार की कीमत अगर 50 लाख रुपये है तो भारत में 1 करोड़ रुपये की मिलती थी, इतनी महंगी हो जाती थी, 100% एक्साइज ड्यूटी थी, जिसकी वजह से टेस्ला ने भारत आने से मना कर दिया था। लेकिन फिर कई राउंड बातचीत होने के बाद, यहाँ तक कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन से मिलने के बाद, टेस्ला के मालिक यानी कि जो एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करी थी अमेरिका में ही। उसके बीच बात करने के बाद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई। फिर भारत सरकार ने पूरी तरह से तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं कम करी, लेकिन हाँ 15% कर दी है, जिसकी वजह से अब उनकी जो कीमत होगी उतनी महंगी नहीं होगी और वो अपनी कारें भारत में बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने भी कुछ शर्तें लगाई हैं। वो शर्त ये है कि एलन मस्क को सबसे पहले तो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भारत में, और फिर उसके बाद यहाँ प्लांट सेटअप करने के 3 साल के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें 25% सामान इंडिया का ही होगा, यानी कि डोमेस्टिक होगा, वहीं यहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी। और एक चीज़ फिर उसके बाद अगले 5 साल में 50% सामान इंडिया का ही होगा। ये तो शर्त लगाई भारत ने, जिसको एलन मस्क ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। और वो अब जो भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं वो करीब $3 बिलियन के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि $500 मिलियन से तो बहुत ज़्यादा हो गया। $3 बिलियन का मतलब अगर रुपए में समझाएं तो करीब 25,000 करोड़ रुपए हो गया। और आपको बता दें कि ये जो एलन मस्क की जो एक कंपनी है टेस्ला, इसको यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत है। तो वो जगह को देखने के लिए जो टीम आएगी वो इसी मंथ आ जाएगी, और उसकी जो प्राइमरी अभी लोकेशन होगी वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में से कोई एक जगह होगी जहां वो अपने प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो 3 जगह है यहां पर पोर्ट उपलब्ध है और इनकी जो सीमा है ये समुद्र से जुड़ी हुई है। ये समुद्र से जुड़ी हुई जगह पे अपना प्लांट इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी कारों को इंडिया में भी बेचेंगे और इंडिया से बाहर भी बेचेंगे। तो अगर इंडिया से बाहर भेजना हो तो फिर उनको ज़्यादा कोई कॉस्ट लगानी ना पड़े, ज़्यादा कोई कॉस्ट ना आए और यहीं से एक्सपोर्ट हो जाए। क्योंकि अगर भारत के किसी और अन्य हिस्से में अगर ये अपना प्लांट लगाते हैं तो वो पोर्ट तक लाने का खर्चा एक्स्ट्रा लग जाएगा, जिससे कार की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, एलन मस्क ये क्यों चाहते हैं कि भारत में कोई उनको इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। दरअसल दोस्तों, अगर कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो वो एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हो जाएगी, उसको बनने में 2-3 साल लगेंगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, फिर वो भारत में बेचेंगे, तब तक उनकी कोई मार्केट नहीं होगी। तो पहले मार्केट क्रिएट हो जाए, तो मार्केट क्रिएट करने के लिए एलन मस्क ये चाहते हैं कि उनकी जो बनी हुई कंपनी कारें हैं वो अभी भारत में आ जाए और वो अभी भारत में बिकनी शुरू हो जाए, जिससे उनकी मार्केट बन जाएगी। तो आज से जब 2-3 साल बाद इनका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चर करना, तब आराम से इनकी कारें इंडिया में ही बनेंगी और इंडिया में ही बिक जाएंगी और फिर एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी। इसलिए एलन मस्क ये चाहते थे कि पहले इनकी कारें बेचने के लिए भारत सरकार उनको परमिशन दे, लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी कुछ शर्तें लगा दी और इस डील को फाइनल करा लिया। इसलिए ये भारत और अमेरिका के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि उनके इस भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और एलन मस्क एक बिजनेसमैन है, वो समझते हैं भारत की कि ज़रूरत कितनी ज़्यादा है उनको, क्योंकि भारत के पास एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ एक बहुत ही अच्छी लोकेशन भी है। अभी एलन मस्क अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करते हैं, चाइना भारत का पड़ोसी है, अगर उनको यहाँ पर ही चीप मतलब एक सस्ती लेबर मिल जाती है तो उनका प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं सस्ता होगा। यहाँ स्किल्ड लेबर भी है, स्किल्ड पर्सन भी हैं, जिससे उनको एक अच्छी क्वालिटी का अपना प्रोडक्ट बनाने में हेल्प भी मिलेगी। इससे दोनों काम होते हैं, उनका भी काम हो जाता है, इससे भारत का काम भी ये हो जाता है कि यहाँ भारत के लोगों को नौकरी भी मिलेगी।
दरअसल दोस्तों एक बहुत ही खराब न्यूज भी आई है कुछ समय पहले, एक दो दिन पहले की न्यूज है कि आईआईटी बॉम्बे के पास आउट लड़के, उसमें 36% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिली है, तो उनके लिए बहुत ही खराब होता है। अगर एलन मस्क ऐसी एक दो चीज़ों को और भारत में ले आते हैं, कुछ और कंपनियां आ जाती हैं, तो बनी बात है कि यहाँ के यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, इससे भारत का ही भविष्य उज्ज्वल होगा, भारत का जो ग्रोथ है ये और तेज़ आगे बढ़ेगा। दोस्तों इससे जुड़ी हुई अब डेवलपमेंट कुछ आती रहेंगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।